जब लिपस्टिक ही ले ला आ जो लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी में छाए हैं, आज स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो चलिए हम बताते हैं पवन सिंह कहाँ कहाँ छाए हुए। अब भाई मिलिए अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की प्रमोशन के लिए आए हुए हैं और आपको बता दें कि लखनऊ में इस प्रमोशन को करते करते अक्षय कुमार भी लॉलीपॉप के दीवाने हो गए। जी हाँ, गाना बजा और जैसे ही बजा लोग अक्षय को भूल गए और लॉलीपॉप गाने पर डांस करने लगे। आप हमारे इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि पवन का गाना बजते ही लोगों को याद ही नहीं रहा कि सामने अक्षय कुमार खड़े हैं और लोग लॉलीपॉप पे डांस करने लगे। अब इनसे मिलिए, ये हैं बॉलीवुड के डांसिंग स्टार ऋतिक रोशन। इन सुपरस्टार की बात ये है कि जहाँ ये खड़े होते हैं भाई, लोग सिर्फ इनके ऑरा से ही इनके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन ऋतिक तो पवन के दीवाने निकले जैसे ही गाना बजा और ऋतिक डांस करने लगे। खैर, ऋतिक को लगता है इससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो ऋतिक घर पे बैठ कर लॉलीपॉप गाने लगे और वो भी एक वेल ट्रेंड टीचर से सीखते हुए। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने अपनी फिल्म सुपर 30 के लिए किया जिसमें वो बिहारी टीचर का किरदार निभा रहे हैं। अब मिलते हैं बॉलीवुड की ही सुपरस्टार सिंगर नेहा कक्कड़ से। चलिए अब आप देखिए कि अपने शो इंडियन आइडल में वो किसका गाना गा रही हैं। यकीन है नेहा का ये गाना सुनने के बाद जो पवन के प्रतिद्वंदी हैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया होगा। अब भाई एक स्टार जो कि रीजनल है, उसका कोई कैसे इतना बड़ा फ़ैन हो सकता है। उसके गाने में कोई तो खासियत है जो सभी उसके दीवाने हैं। हम बात पवन की कर रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।